Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shelly Bakliwan and I create beauty, lifestyle and fashion content. So if you are interested in any of these, please subscribe to my channel. और अगर आपको जानना है कि मैंने ये इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर किया है, तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गो इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले हमने हमारा फेस वॉश कर लिया है. उसके लिए मैंने ये फेस वॉश यूज़ किया है. दिस इज़ फ्रॉम डर्माको. इट इज़ फॉर देयर सेंसिटिव स्किन. इट क्लेंजेस, हाइड्रेट्स. इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, सोप फ्री. और आप उसको दिन और रात इनका क्रीमी फेस क्लेंजर है. ये काफ़ी अच्छा क्लेंजर है. मुझे थोड़ा बहुत सेटअपिल जैसे रिमाइंड करता है ये. और ओवरऑल आई रियली लाइक दिस फेस वॉश. तो अब हमने हमारा फेस वॉश कर लिया है. अब हम हमारा फेस थोड़ा हाइड्रेट करेंगे क्योंकि बहुत ड्राई हो गया है. और इतना ड्राई मुझे मेरा फेस कभी अच्छा नहीं लगता. आई हैव वेरी ड्राई स्किन. तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ट्रस्टवर्दी बायोडर्मा. दिस इज़ द बायोडर्मा एडोडर्म क्रीम. इट इज़ द अल्ट्रा नरिशेंट अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग क्रीम. आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. मैं थोड़ा सा इसको लूँगी इतना क्योंकि मैं मेकअप करने वाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ. क्योंकि हम पाउडर लगाते हैं और काफ़ी कुछ लगाते हैं, तो उससे हमारी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है. हमने हमारा मॉइस्चराइजर लगा लिया है और काफ़ी अच्छी लग रही है अब स्किन. अब हम थोड़ा हमारे लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेंगे. फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस लिप बाम फ्रॉम निविया. दिस इज़ द ओरिजिनल केयर. ये बिल्कुल नॉन फ्रेग्रेंट नॉन कलर लिप बाम आती है. काफ़ी अच्छी है और लिपस्टिक के अंदर काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है. इट इज़ हाइड्रेटिंग बट बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, जबकि लिपस्टिक्स इधर उधर फैलेगी नहीं ये लगा के. तो हम प्राइमर लगाएंगे. फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस प्राइमर. दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे. इज देयर लूमी क्रीम. इट इज़ मॉइस्चराइजर और हाइलाइटर का मिक्सचर है ये. बट मैं इसको एज अ प्राइमर लगाती हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा बहुत डूई बेस दे देता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. इतना लिया है मैंने और इसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे. इट गिव्स अ वेरी ग्लोई एंड नेचुरल बेस विच आई रियली लाइक. एज यू कैन सी माई फेस इज लुकिंग वेरी डूई एंड वेरी नाइस. अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे. अब हम लगाएंगे हमारा फाउंडेशन जो कि हमारा बेस होगा. उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन. इसमें मेरा शेड है 238 रिच टैन. तो ये मेरा फर्स्ट फाउंडेशन है विच आई एवर बॉट. और इस अपनी उंगलियों की मदद से इसको अपने फेस पे ऐसे डॉट कर लीजिए. आंखों के नीचे जितना कम हो सके उतना कम लगाना क्योंकि हम कंसीलर लगाने वाले हैं, तो खाम खा बहुत सारी लेयर्स हो जाएगी. और जस्ट स्टार्ट ब्लेंडिंग इट. टेक योर टाइम व्हाइल यू आर ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, इट विल नॉट लुक गुड. बहुत ज़्यादा कवरेज वाला फाउंडेशन नहीं है ये, बट ये काफ़ी नेचुरल कवरेज देता है. और अगर आप ऑयली स्किन से बिलोंग करते हैं तो ये काफ़ी मैट भी है. बट क्योंकि मैंने बहुत सारा मॉइस्चराइजर और इल्यूमिनेटिंग क्रीम लगा रखी है नीचे, तो ये इतना मैट नहीं लग रहा और काफ़ी शाइन दिख रही है. बट अगर आप ऑयली स्किन से बिलोंग करते हैं और आप एक मैटिफाइंग प्राइमर और मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तो ये आपका फेस काफ़ी मैट कर देगा और काफ़ी टाइम तक भी रहता है ये फाउंडेशन क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है. तो मैंने अच्छे से मेरा फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है. अब मैं अपने फेस पे कंसीलर लगाऊंगी. तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर. दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इट्स देयर लिक्विड कंसीलर. इट इज़ इन द शेड 04. ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, थोड़ा आईलिड के ऊपर, माउथ एरिया के आसपास, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है. उसको हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा फोरहेड पे हाईलाइट करने के लिए. अब हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर देंगे. सबसे पहले मैं अपनी आँखों को ब्लेंड करना पसंद करती हूँ. आँखों के नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइटनिंग हो गई है. यही मैं प्रेफर कर रही थी कि यही हो. और मैं अपने माउथ एरिया के आसपास इसको ब्लेंड कर रही हूँ. ज़्यादा फैलाइए, बट जहाँ पर लगा रखा है वहीं पर लगे रह देना. हमने फाउंडेशन लगाया था तो काफ़ी फ्लैट हो गया था फेस. अभी भी हमसे थोड़ा सा एक शेड लाइटर शेड का कंसीलर था, तो इस वजह से हमारा जो हमारे फेस पे वापस डायमेंशन आ रहा है. बट अभी भी हमारे जो साइड्स हैं वो काफ़ी बेयर लग रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉन्टोर करें. सो फॉर कॉन्टोरिंग आई एम यूजिंग अगेन माई फेवरेट प्रोडक्ट. इट इज़ फ्रॉम शुगर. इट इज़ देयर
फेस कॉन्टोर स्टिक, इट इज इन द शेड एक्सप्रेसो एज, ये कुछ इस तरह का आता है। पहली बार क्रीम कॉन्टोर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको अपने ब्रश पे लीजिए, इसको अपने हाथों के पीछे लगाइए और फिर इस तरह से अपने फेस पे लगाइए और इसको इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए। जब आप ये लगा लें अच्छे से ब्लेंड कर लें, ये कुछ इस तरह से लगेगा। ज़्यादा प्रोडक्ट ना लीजिए एक बार में क्योंकि कॉन्टोर काफ़ी पिगमेंटेड होता है। जब आपको लगता है कि अच्छे से लग गया है आपके नोज़ पे भी लगा लीजिए इसी तरह से साइड साइड में, ज़्यादा मत लगाना। आपको डबल चिन है तो आप अपने जॉ लाइन पे भी लगा सकते हैं इसी तरह से, ये एक तरह से शेडो क्रिएट कर देता है। अब हमारा स्पंज लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे एक बार अच्छे से, ताकि अगर कहीं एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो वो हमारे स्पंज पे आ जाएगा। अपने आईज के नीचे एक बार वापस अपने ब्लेंडर से इसको वापस ब्लेंड कर लीजिए। फेस पाउडर ये है फिट मी का लूज पाउडर, मैं थोड़ा सा पाउडर अपने स्पंज पे ही लूँगी और इसको डायरेक्ट इस तरह से अपने आंखों के नीचे लगा दूंगी ऊपर देखते हुए। मैं अपने आईलिड्स पे भी इसको इस तरह से लगा दूंगी, मैं इसको घुमा नहीं रही हूँ, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ अंदर। अब मैं मेरे बाकी फेस के लिए एक ब्रश लूँगी डोम शेप का, मैं स्पंज लेके उसकी दूसरी साइड लेके इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर दूंगी अंदर के साइड जो हमने पाउडर छोड़ दिया था, उससे ये जो हमारा मेकअप है ये पूरे दिन नहीं हटेगा। चाहे आप कितना भी घूम लो, चाहे कितना पसीना आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये मेकअप आपका नहीं हटने वाला है। ब्लश यूज कर रही हूँ फिटी का, इट इज इन द शेड रोज। एक बार पहले अपने हाथ के पीछे लगा के और फिर अपने फेस पे लगा लेना, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपके फेस पे ना आए। अब बारी है हाइलाइटर लगाने की। दिस यूज टू बी माय फेवरेट हाइलाइटर, दिस इज हाउ द हाइलाइटर लुक्स लाइक। बहुत सुंदर हाइलाइटर है, इट इज इन द शेड मोल्टन गोल्ड। थोड़ा सा हाइलाइटर लूंगी अपने ब्रश पे, एक्सेस हटा देना और कैन यू सी हमारा बेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे आईज पे जाएंगे, उससे पहले हम हमारे आईब्राउज कर लेंगे, तो मैं अपने आईब्राउज करके वापस आती हूँ। मैंने अपने ब्राउज कर लिए हैं, अब द फन पार्ट हमारा आई मेकअप। तो फॉर आईज आई एम यूजिंग दिस पैलेट, दिस इज फ्रॉम निका के, इट्स द पॉइजन एप्पल पैलेट। दिस इज हाउ द कलर्स लुक लाइक। सबसे पहले मैं ये डार्क मरूनिश शेड लूंगी, ओके। तो इसको सबसे पहले अपने आउटर लोअर कॉर्नर पे इस तरह से स्टैम्प करूंगी। इसी ब्रश से मैं इसको इस तरह से सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी। दूसरे ब्रश पे ये शेड लूंगी जो कि प्योर रेड शेड लग रहा है, और इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी बाहर की तरफ से। हम यहाँ नहीं फोकस करेंगे, हम इस साइड में फोकस करेंगे। बहुत लाइटली इस ब्रश को पकड़ा हुआ है, अगर आप प्रेशर लगा देंगे तो ब्रश इतनी ईजिली मूव नहीं होगा, बट हमें इसको मूव करना है काफ़ी अच्छे से, तो हमने कोई प्रेशर नहीं लगा रखा है। अब इसको आगे की तरफ इस तरह से लेके आएंगे, वो भी अच्छे से ब्लेंड कर लो इसी ब्रश के साथ बिना और ज़्यादा प्रोडक्ट लिए हुए। अब हम ये वाला शेड लेंगे, उसके लिए मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कट क्रीज सी बना देंगे इससे। हमारा ब्रश लेंगे और इसको यहाँ इस साइड से हम ब्लेंड कर देंगे। मैं ये चीज़ इस साइड करके वापस आती हूँ। अ क्विक टिप, अगर आप की जो ग्लिटर है वो नीचे गिरती है, पफ है वो नीचे ऐसे रखिए, अपना ग्लिटर लीजिए इस तरह और फिर इसको इस तरह से करिए और नीचे कोई ग्लिटर नहीं आएगा। तो हम एक पतला ब्रश लेंगे और डार्क वाला कलर लेंगे और इसको इस तरह से अपने आँखों के नीचे लगा लीजिए। अब लाइट वाला कलर लो सेम ब्रश से और उससे उसको ब्लेंड कर दो। अब मैं थोड़ा बहुत लाइनर लगाऊंगी, शुगर का इंगम वाटरप्रूफ लाइनर, इट इज इन द शेड 01 आई एल पी ब्लैक। बहुत ही हल्का सा विंग बनाया है, मैं इस साइड भी
सेम बनाने की कोशिश करूंगी। मैं ये वाला मस्कारा यूज कर रही हूँ, ये है द हाइपर कर्ल इजी वॉश मस्कारा, दिस इज फ्रॉम मेबेलिन और ये काफी अच्छा मस्कारा है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, काफी सारी ट्यूब्स मैंने यूज कर ली है इसकी और इससे ऐसा लगता है कि मैंने नकली लैशेस लगा रखी है। मैंने दो कोट लगा लिया मस्कारा के और आई गेस मेरी आंखें काफी अच्छी लग रही है। तो अब मैं अपने लिप्स को कंप्लीट करूँ और उससे पहले मैं थोड़ा काजल लगा लूंगी शुगर का फिर से। और ये है स्ट्रोक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी कोल, इट इज इन द शेड 0 ब्लैक ब्लैक मैजिक। नाउ फॉर लिपस्टिक मैं एक ग्लॉस यूज कर रही हूँ, ये है एल्फ की लिप लैकर, इट इज इन द शेड मूडी, ये मेरा फेवरेट लिप ग्लॉस था और अभी भी है। कोई भी लिपस्टिक यूज कर रहे हो ये उसके साथ काफी अच्छा लगता है। अब क्योंकि मेरी आईज काफी ड्रामेटिक है तो मैंने लिप्स काफी न्यूट्रल रखे हैं। विद दैट वी हैव फिनिश्ड द मेकअप ट्यूटोरियल, दिस इज हाउ इट विल लुक विद होल शेबैंग एंड आउटफिट इन एवरीथिंग। अगर आपको ऐसे ही लुक्स काफी देखने हैं, इंडियन लुक्स देखने हैं, तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू क्रिएट इंडियन लुक्स फॉर यू गाइज क्योंकि मुझे खुद बहुत मजा आता है ये सब क्रिएट करने में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो अ लिटिल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।